हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय। आज की स्टूडियो में हम लोग अपना एक और इनहेरिटेंस प्रोग्राम करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम क्या कह रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन में प्रोग्राम देख सकते हैं कि हमारे पास एक सुपर क्लास गिवन है नंबर नाम से। ओके, जो हमारा क्या कर रहा है, डिफाइन टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। मतलब हमारे पास एक गिवन नंबर है, उसको हम लोग यहाँ पर अपना फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं इस नंबर क्लास में। ओके, उसके बाद हमारे पास एक सब क्लास गिवन है सीरीज। ओके, जिसमें हम लोग क्या करें, टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने अपना फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है, उसका हम लोग यहाँ पर अपना सम ऑफ द सीरीज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर दोनों क्लास की डिटेल्स गिवन है। जैसे कि यहाँ पर अगर पेरेंट क्लास की बात करें तो इसका नाम हमारा नंबर होगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अगर डेटा मेंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक ही डेटा मेंबर है एन, जो हमारा क्या कर रहा है, टू स्टोर एन इंटीजर नंबर। ओके, यहाँ पर हम लोग अपना इस डेटा मेंबर में इंटीजर वेरिएबल्स इंटीजर नंबर स्टोर करेंगे। ओके, इसके बाद ऐसे कुछ मेंबर फंक्शंस गिवन है। जैसे कि पहले अगर इस फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली हमारा पैरामीटर है, कंस्ट्रक्टर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर एन एन इक्वल टू एन एन। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास डेटा मेंबर गिवन है एन, उसमें हम लोग यहाँ पर जो पैरामीटर में एन एन पास किया है वो हम लोग अपना इसमें डिफाइन कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पर अपना दूसरा एक फंक्शन गिवन है इंट फैक्टोरियल, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर इंट ए एज अ पैरामीटर पास किया है। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने अपना ए पास किया है पैरामीटर, उसको हम लोग अपना फैक्टोरियल उस नंबर का फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इंट फैक्टोरियल फंक्शन है, जिसमें हम लोगों ने अपना इंट ए पैरामीटर पास किया है। ठीक है, और इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। मतलब यहाँ पर ए हमारा नंबर है और उस नंबर का हम लोग यहाँ पर अपना फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को थोड़ा टफ करने के लिए हम लोग ये जो फंक्शन है, इसको हम लोग अपना यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारा जो नंबर है उसका फैक्टोरियल हम लोग अपना रिकर्सिव टेक्निक के बेसिस में हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा है यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। ओके, इसके बाद हमारा वॉइड डिस्प्ले फंक्शन है, जिसमें हम लोग अपना ये जो एन वेरिएबल है उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, देन हमारा यहाँ पर चाइल्ड क्लास गिवन है सीरीज। ठीक है, इसकी अगर डेटा मेंबर की बात करें तो हमारा यहाँ पर एक ही डेटा मेंबर है सम, जिसमें हम लोग क्या करें, टू स्टोर द सम ऑफ द सीरीज। मतलब इसी में जो हमारा सम ऑफ द सीरीज है वो हम लोग अपना स्टोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इस क्लास के कुछ मेंबर फंक्शंस है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस। मतलब यहाँ पर हम लोग अपना दोनों क्लास के डेटा मेंबर्स इसमें हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर वॉइड कैल सम है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द सम ऑफ द गिवन सीरीज। मतलब इस फंक्शन में ही हम लोग अपना जो सम ऑफ द सीरीज है वो हम लोग अपना कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर वॉइड डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्लेस द डेटा मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस। मतलब यहाँ पर हम लोग अपना दोनों क्लास के डेटा मेंबर्स को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा लिखा है कि हम लोग को यहाँ पर अपना नंबर जो हमारा क्लास है उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपना इस क्लास को भी डिफाइन करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पर इसके बाद लिखा है कि यहाँ पर हमें सीरीज क्लास बनानी है और उसका हमें कंस्ट्रक्टर, कैल सम और डिस्प्ले फंक्शन भी बनाना है। ठीक है, इसके बाद लिखा है द सुपर क्लास मेन फंक्शन एंड एल्गोरिथम नीड नॉट टू बी रिटेन। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने अपना यूटिल टेक्स्ट को इंपोर्ट किया है, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पर अपना पेरेंट क्लास डिफाइन किया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने अपना डेटा मेंबर डिफाइन किया है एन। ओके, ये हमारे यहाँ पर इन टाइप का होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना पैरामीटर है कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, और यहाँ पर जो हम लोगों ने पैरामीटर में पास किया था एन एन, वो हम लोगों ने यहाँ पर अपना इंस्टेंस वेरिएबल में पास कर दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इंट फैक्टोरियल है, जिसमें हम लोग अपना गिवन नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे यूजिंग रिकर्सिव टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए पास किया था वही हमारा यहाँ पर ये नंबर है। ओके, तो यहाँ पर अगर रिकर्जन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखते हैं। तो कंडीशन बेसिकली ये है कि अगर मेरा यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू वन हो जाए, मतलब यहाँ पर जो गिवन हमारा नंबर है वो अगर मेरा वन के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग अपना इस रिकर्जन फंक्शन को हम लोग क्लोज कर देंगे और इसमें हम लोग अपना पास कर देंगे वन। ओके, अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपना रिटर्न कर रहा हूँ ए, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर मैं अपना फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और फंक्शन को कॉल करते करते यहाँ पर मैं अपना जो हमारा जो गिवन नंबर है उसमें मैं एक एक नंबर कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर ए है मेरा थ्री। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक किया कि क्या थ्री मेरा लेस देन इक्वल टू वन है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर ये हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर ये वाले स्टेटमेंट में आए, तो इसमें हम लोगों को क्या हुआ कि यहाँ पर हो जाएगा थ्री इंटू फैक्टोरियल माइनस माइनस ए, मतलब टू पास होगा। ठीक है,
मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू 2 हो गई, उसके बाद यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक किया तो क्या 2 हमारा लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर इस स्टेटमेंट में आएगा तो हमारा यहाँ पर होगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर ए 1 हो गया, एंड देन यहाँ पर इस कंडीशन में आया तो यहाँ पर ए मेरा 1 है तो इसमें हमारा पर कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हमारा ये रिकर्जन फंक्शन ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी रिटर्न 1, ओके। उसके बाद हमारे पास बैक ट्रैकिंग होता है। बैक ट्रैकिंग कैसे होता है कि हमारे यहाँ पर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2 क्या होगा हमारा 2, ठीक है। 2 वैल्यू हमारे यहाँ पर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है तो फिर हमारा 3 इंटू 2 होगा 6, मतलब यहाँ पर ये फंक्शन हमारा 3 का फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा 6, ओके। देन यहाँ पर हम लोग अपना वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बनाया है और इसमें हम लोगों ने यहाँ पर अपना नंबर को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर चाइल्ड क्लास की बात करें सीरीज, तो यहाँ पर हम लोग अपना एक्सटेंड कीवर्ड के बेसिस में हम लोगों ने अपना जो पेरेंट क्लास का नंबर उसको इनहेरिट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सटेंड कीवर्ड लिखना बिल्कुल नहीं भूलना एग्जाम में, क्योंकि हमारा इस कीवर्ड के बेसिस में हमारा इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपना चाइल्ड क्लास का डेटा मेंबर बनाया है सम, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपना पैरामीटर कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है सीरीज, ठीक है। अगर यहाँ पर इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर सुपर कीवर्ड के बेसिस में हम लोग अपना पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ठीक है। और उसमें हम लोग अपना एन पास कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर इस क्लास का डेटा मेंबर था उसमें हम लोग अपना 0 डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर कैल सम है। इस फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हम लोग अपना एक फॉर लूप चला रहे हैं 1 से लेके उस नंबर तक, ठीक है। और इसमें हम लोग का जो सम वेरिएबल है उसमें हम लोग अपना एक ही करके सम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा पेरेंट क्लास का फैक्टोरियल फंक्शन था उसको मैंने कॉल किया है, ठीक है, सुपर डॉट फैक्टोरियल से। और यहाँ पर जो मेरा फॉर लूप में एक ही करके जो हमारा आई जो हमारा 1 से लेके उस नंबर तक चल रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पर अपना इस फैक्टोरियल फंक्शन में पास किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा एन है 5, ठीक है। तो आई हमारा यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 तक चलेगा, ओके। और यहाँ पर अगर इस फंक्शन में पास करेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल आएगा, 2 का फैक्टोरियल आएगा, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल एंड 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। और सम के बेसिस में यहाँ पर मैं एक ही करके ये जो हमारा फैक्टोरियल आ रहा है वो मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस फंक्शन की बात करें तो इससे मेरे यहाँ पर सम जो हमारा वेरिएबल है उसमें हमारा सम ऑफ द सीरीज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन बनाया है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले सुपर डॉट डिस्प्ले के बेसिस में अपना पेरेंट क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया है, ओके। फिर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट में मैंने अपना सम भी डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा नंबर प्रिंट होगा और उसके बाद जो हमारा सम वेरिएबल में हम लोग का जो सम ऑफ द सीरीज है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आया। अगर आपको इस प्रोग्राम के रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज की डाटा, बाय बाय।